हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं अपने पीसी के थ्रू। ओके, सो ऑनलाइन आप किस तरीके से अपने पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका आज बताने वाला हूं आपको। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हम डेस्कटॉप हमने क्रोम ब्राउज़र मैंने खोला हुआ है, आप अपने किसी ब्राउज़र पर इसको खोल सकते हैं, इस वेबसाइट को। सो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे एक साइट है जिसका नाम है pdfescape.com। यहाँ पर आपको कई कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सबसे पहला जो ऑप्शंस है पीडीएफ स्केप ऑनलाइन एडिटर। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर है ये, और एक ये एडिटर फॉर दी विंडो। ठीक है, आप इसको या तो अपनी पीडीएफ फाइल को ऑनलाइन डायरेक्ट कर सकते हो एडिट, और या तो उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है हर रोज़ अगर आपको करना होता है पीडीएफ को कन्वर्ट। सो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको जो हम और इसके नीचे कुछ इसके फीचर्स बताए गए हैं। सबसे पहले जो पीडीएफ ऑनलाइन इंक्लूड दीज फीचर्स, व्हाट वी कैन डू विद दिस पीडीएफ स्केप ऑनलाइन एडिटर। सो वी कैन एडिट द पीडीएफ फाइल, एनोड द पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, एनोड कर सकते हैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट को, फिल आउट पीडीएफ फॉर्मेट। ये सारे फीचर्स जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्ट पीडीएफ फाइल, हम पासवर्ड लगा सकते हैं अपनी पीडीएफ पे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं। और ये यहाँ पर जो फीचर्स दिए गए हैं वो हमारे डेस्कटॉप के जो कि एक प्रीमियम के अंडर आती हैं, दीज आर दी प्रीमियम फीचर्स। ओके, सो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमें फ्री ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास में इस तरीके का एक विंडो पॉपअप होगा जिसके अंदर आपके सामने होगा एक क्रिएट न्यू पीडीएफ डॉक्यूमेंट और अपलोड पीडीएफ टू पीडीएफ स्केप। सो हमें क्या करना है, हमें तो पीडीएफ को एडिट करना है। ठीक है, सो हम किस पे क्लिक करेंगे, ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके पास में एक इस तरीके का अपलोड फाइल का पॉपअप आएगा जिसके अंदर क्या क्या होगा, चूज फाइल, ओके, अपलोड फाइल एंड दी कैंसिल, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप दी पीडीएफ हेयर। ठीक है, आप पीडीएफ को यहाँ पे लाके ड्रॉप कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करूँगा जिससे कि मेरा जो विंडो है यहाँ पे खुल जाएगा। मेरे पास में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर से मैं एक यहाँ पे चैप्टर वन जिसे चूज कर लेता हूँ। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसको मैं अभी आपको एडिट करके दिखाऊँगा इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ दी एनसीईआरटी बुक। सो हमें इसको एडिट करना है, किस तरीके से एडिट करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पे आपको एक फीचर मिल जाएगा टेक्स्ट का जिसे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। आप वाइट बोर्ड जो ये आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ये आप यहाँ पे किसी भी उसको वाइट आउट कर सकते हो। अभी सबका यूज़ दिखाऊंगा मैं आपको। आप इमेजेस लगा सकते हो यहाँ पर अपने पीडीएफ के अंदर, फ्री हैंड आप लिख सकते हो, लिंक लगा सकते हो, फॉर्म फिल्ड कर सकते हो। ओके, सो देर आर बंच ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, सो हम इसको क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाइट आउट करते हैं। ये जो आपको रियल नंबर दिख रहा है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ इसको वाइट कर देता हूँ और अपना टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमने वाइट आउट कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिख के देखिए, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं जो भी लिखना है आपको। जैसे मैं लिख देता हूँ रियल नंबर। ओके, और मैं इसको अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकता हूँ, इसको कलर फिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने ये कलर कर दिया, और इसको मैंने उठाकर इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और बड़ा कर देता हूँ, आप जितना चाहे अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर सकते हैं इसको। ओके, मैं इसको 19 पे कर देता हूँ सेट, और देन मैं इसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, देखिए, सो ईजी था। आप इसी तरीके से आप इमेजेस लगा सकते हैं इसके ऊपर जहाँ पे भी आप चाहें, आप इसके अंदर फ्री हैंड से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पर। और भी आप नीचे एडिटिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इस पीडीएफ के अंदर P/Q लिखा हुआ, मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको, इसकी फॉर्म होता है 0 P Q does not equal to 0, ये मैंने लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, लिंक बना सकते हो, आप लिंक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो किसी के उस पे भी पेज के ऊपर। ओके, सो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर।
सो आपने देख लिया, आप अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, स्टिकी नोट्स हैं, इंसर्ट एंड फोल्ड, यहाँ पर रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर, ओके, हाइलाइटर है, बहुत सारी पेजेस हैं, पेजेस मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर, ओके। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो हमारी इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, अगर आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर कोई किसी भी तरीके की एडिटिंग आपको करनी है और आप इस ऑनलाइन पीडीएफ स्केप के थ्रू नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट, आई विल सजेस्ट अ न्यू मेथड, ओके। सो थैंक यू सो मच।